लखनऊ के दुबग्गा कोतवाली क्षेत्र के इटौली का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इटौली पुलिया निवासी अनीता राठौर पुत्री ईश्वरी 22 अक्टूबर की रात घर में अकेली थी। उसी रात अरविंद पुत्र कालिका व एक व्यक्ति अज्ञात छत से चढ़कर घर में घुस आए तो खटपट की आवाज सुनकर महिला की आंखें खुल गईं। उसने देखा अरविंद उसके सामने खड़ा है। इतने में ही अरविंद ने महिला का हाथ पकड़कर उसे धक्का देने की कोशिश की, जिससे महिला गिरकर चोटिल हो गई। मौका पाकर अरविंद और उसके साथ आए व्यक्ति ने घर में रखा सामान व सोने की चेन सहित लाखों रुपए नकद लूट ले गए। इंडिया 24x7 लाइव टीवी से अमरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनीता। क्या थाना लगता है आपका? दुबग्गा थाना। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि रात में जो है ना 22 तारीख को हम अकेले घर पे 22 अक्टूबर बाईस तेईस दिन हो गए। हाँ, चोरी 22-23 दिन हो गए चोरी के। तो जो है ना हम सो रहे थे, थोड़ा तेज बोलो। हाँ, कुछ आवाजें आई तो हम जो है ना उठ के देखे तो वहाँ पे 3-4 लोग थे और हमने जो है ना जिसको पकड़ा था वो हमारा जेठ अरविंद था। हाँ। जो है ना और उनके साथ में जो कई लोग थे उनको हमने नहीं देख पाए हैं वो कौन लोग थे। हमने जेठ को पकड़ा तो कितने लाख की चोरी हुई? क्या क्या चोरी हुआ है? ये जो है ना एक गैस सिलेंडर था, लैपटॉप रहा है, बैटरा रहा है, डबल डोर की झुमकी थी और एक सोने की चैन 30,000 रूपए और जो है ना एक टॉप्स रहा है सोने के। इसके शिकायत आपने कहाँ दर्ज कराई है? ये शिकायत हमने मुख्यमंत्री को ऑनलाइन किया, वहाँ से भी जो है हमारी कार्रवाई नहीं हुई है। और जो है ना हम ये इसको क्या कहते थाना दुबग्गा वहाँ भी गई आप? हाँ वहाँ भी गए। थाना दुबग्गा लगता तो है। थाना दुबग्गा पुलिस ने क्या कहा? दुबग्गा जो है ना थाने पुलिस वालों ने जो है ना हमारी कोई सुनी नहीं गई, हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं जी? कोई FIR दर्ज हुआ? FIR भी नहीं दर्ज हुई है। हमने एप्लीकेशन दिया था तो जो है ना उसपे हम कुछ बता रहे, वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। इंस्पेक्टर कुछ नहीं सुन रहे? कुछ नहीं सुन रहे हैं। क्या हुआ, भगा दिया तुमको वहाँ से? जो है ना कहने लगे आप यहाँ से जाइए ना तो तुम्हारे भाई बहनों को दोनों को जेल में बाहर डाल देंगे। आपको ऐसा बोला है? हमको ऐसा बोला उन्होंने, बताया कि झूठा इल्जाम लगा रही है। अच्छा जी सर। तो हम जो हम हमारे सर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, हम सब जगह गए। सीएम योगी से क्या गुहार लगाएंगे? सीएम योगी से हम गुहार ये लगाएंगे हमको न्याय दिलाया जाए। अच्छा। और ये जो हमारे जेठ थे इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अच्छा। ये लोग उनको आए दिन हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, आए दिन हमको परेशान कर रहे हैं। हमारे जेठ और हमारे हस्बैंड प्रमोद वो जो है ना घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? हमारे जेठ जी अरविंद प्रमोद। अभी जानलेवा हमला भी किया है? जानलेवा हमला 22 तारीख को उसी दिन कहा भी जो है ना किसी से बताओगी तो तुमको मार डालेंगे और तुम्हारा जान से मारने की धमकी दी। जान से मारने की धमकी दी तुमको, तुम्हारे भाई को जान से मार डालेंगे और अगर किसी मोहल्ले। सर हम बहुत परेशान है जो है ना हमारे हमको हमको न्याय दिलाया जाए।